चक्रव्यूह के भीतर सबकी नजर में आने से बचने के लिए आर्यमान अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर चक्रव्यूह के भीतर सबकी नजर में आने से बचने के लिए आर्यमान अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहा था, लेकिन नैना के पहाड़ से गहरी घाटी में कूदने के बाद आर्यमान उसे बचाने के लिए चला आता है। आर्यमान ने नैना को बचा तो लिया था, लेकिन नीचे बह रही नदी के किनारे पहुंचते ही नैना आर्यमान के ऊपर भड़क उठती है। बोलो आर्यमान, तुमने मेरे मना करने के बाद भी अभी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों किया? मैं जब तुमसे बोलती हूं तब तो तुम मेरी मदद करते नहीं हो, फिर इस वक्त तुमने ऐसा क्यों किया? अब अगर तुम सबकी नजर में आ गए होगे तो मैं क्या करूंगी? नैना की बातों को सुन रहा आर्यमान अभी भी विवेक के शरीर में ही था। नैना को यूं गुस्सा होता देख आर्यमान कहता है, नैना, मेरी पहली प्राथमिकता तुम्हारी जान बचानी थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने चला आया। वैसे तुमने क्या सोचकर इतनी ऊंची घाटी से छलांग लगा दिया? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? आर्यमान की पहली प्राथमिकता नैना को बचाना था और वही काम आर्यमान कर रहा था, लेकिन उसके इस काम से नैना काफी नाराज थी। वह आर्यमान के ऊपर चीखते हुए कहती है, आर्यमान तुम भी मुझे बेवकूफ मत समझो, उस पहाड़ से छलांग लगाने से पहले मैंने बादलों के नीचे बहती हुई नदी का अंदाजा लगा लिया था। इस नदी के बहने की आवाज मुझे ऊपर तक सुनाई दे रही थी और इसलिए मैंने वहां से छलांग लगा दी। मैंने वहां से छलांग बिना सोचे समझे नहीं लगाई थी, समझे तुम? नैना ने सिंह वर्मन से बचने के लिए पहाड़ से छलांग तो लगा दी थी, लेकिन उसने अपने दिमाग में सारा गणित कर लिया था। वो आर्यमान के ऊपर फिर से चीखते हुए कहती है, तो तुम अब अपनी बेवकूफी की वजह से सबके सामने आ गए हो, अब तुम ही मुझे बताओ गरुण सैन्य बल वाले क्या करेंगे अब? नैना इस वक्त काफी गंभीर और गुस्से के साथ आर्यमान से बातें कर रही थी, लेकिन नैना का गुस्सा और भी तेजी से उस वक्त बढ़ जाता है जब वो आर्यमान को मुस्कुराते हुए देखती है। आर्यमान, तो तुम मुस्कुरा रहे हो? मेरे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो? इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो आर्यमान? नैना की इन बातों को सुन अभी तक मुस्कुरा रहा आर्यमान अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करता है। कुछ नहीं नैना, बस तुम जब इतना गुस्सा करती हो ना तो मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो। तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के ऊपर गुस्से से भरी आंखी, आहा, मजा ही आ जाता है। इस गंभीर परिस्थिति के बीच नैना को आर्यमान से इन बातों को सुनने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपना सर धीरे से उसकी ओर घुमाते हुए कहती है, आर्यमान, क्या तुम सच में ये सब बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ क्या ये सब सच है? क्या सच में तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है? नैना के चेहरे पर अब गुस्से की जगह चिंता के भाव थे, और इस तरह चिंता करते देख आर्यमान कहता है, नैना तुम इतनी चिंता मत करो ना, मैंने अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल किया है, इसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना चौंकते हुए कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो आर्यमान? आखिर ऐसा क्या हुआ जो गरुण सैन्य बल वाले तुम्हारे बारे में नहीं जान पाएंगे? मुझे जल्दी पूरी बात बताओ। अब कब से चिंता और डर में डूबी नैना अब जल्द से जल्द सच्चाई जानना चाहती थी। उसकी बातों को सुन आर्यमान कहता है, जब तुमने उस पहाड़ से छलांग लगाई ना, मैं वहीं पर था। तुम्हारे नीचे की ओर जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहां पर कोई और भी खास शक्ति है। उस शक्ति का प्रभाव ऐसा है जिससे चक्रव्यूह की ऊर्जा और उसके मंत्र यहां पर काम नहीं कर रहे। ये क्षेत्र चक्रव्यूह के भीतर होते हुए भी उस चक्रव्यूह से अलग है। आर्यमान की बातों को सुन नैना की हैरानी और भी बढ़ती जा रही थी। वो आर्यमान से कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है आर्यमान? तुम्हें अचानक से यह एहसास कैसे हुआ? नैना के प्रश्नों को सुन रहा आर्यमान उसे जवाब देते हुए कहता है, मुझे सिर्फ इसी बात का एहसास नहीं हुआ नैना, मैं जब से यहां आया हूं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई बहुत ताकतवर ऊर्जा तो जरूर है, और वो ऊर्जा खतरनाक भी साबित हो सकती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब ब्रह्मयंत्र का इशारा है, ब्रह्मयंत्र कुछ इशारा कर रहा है। इतना कहते कहते आर्यमान भी काफी गंभीर हो चुका था। आर्यमान को गंभीर होते देख नैना कहती है, लेकिन आर्यमान
ब्रह्म यंत्र तो हमारे पास नहीं है, फिर वो ऐसा इशारा कैसे कर सकता है? क्या ये संभव है? नैना की बातों को सुन आर्यमान उसकी ओर जाता है और कहता है, ब्रह्म यंत्र के साथ कुछ भी संभव है। वो इस वक्त जहां भी है उसने वहीं से इशारा किया है। अब तुम बस उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालो। आर्यमान की बातों को सुन नैना कहती है, आर्यमान मैं कोशिश तो कर रही हूं ना, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ऊर्जा को बढ़ा रही हूं, लेकिन मुझे ब्रह्म यंत्र का कोई पता ही नहीं मिल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। नैना की बातों को सुन आर्यमान उसे समझाता है, नैना तुम ब्रह्म यंत्र को अपने भीतर खोजने का प्रयास करो, उस ब्रह्म यंत्र ने तुम्हें चुना है और तुमसे जुड़ चुका है। अगर तुम उसे अपने भीतर ढूंढोगी तो वो भी तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। आर्यमान की बातों को नैना चुपचाप सुन रही थी। तभी आर्यमान आगे बोलते हुए कहता है, नैना वैसे मुझे एक बात का और पता चला है, जिस चक्रव्यूह की परीक्षा में तुम इस वक्त आई थी उसे गरुण सैन्य बल में किसी ने नहीं बनाया। इस चक्रव्यूह की स्थापना के मंत्र और इसको स्थापित करने की विधि किसी और ने खोजी है। आर्यमान से यह जानकारी मिलने के बाद नैना आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहती है, आर्यमान ये तुम क्या बोल रहे हो? इस चक्रव्यूह का इस्तेमाल तो गरुण सैन्य बल वाले कर रहे हैं ना, और इसके जरिए योद्धाओं की भर्ती भी हो रही है, फिर इसे और कौन बना सकता है? नैना के मन में आर्यमान की इस बात को सुनने के बाद हजार तरह के सवाल उमड़ रहे थे। नैना के सवालों को सुन आर्यमान कहता है, नैना मुझे अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे अभी तक बस इतना पता चला है कि हिमालय की पहाड़ियों को पार करने के बाद जब तुम उसके दूसरी तरफ जाओगी तो तुम्हें कई सारे राज्य और देश मिलेंगे। उसी तरफ के किसी महान परम योद्धा ने इस चक्रव्यूह की रचना की थी। उस परम योद्धा के बारे में अभी मेरे पास कोई जानकारी तो नहीं है, उसका चेहरा मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है वो कोई बहुत ही महान योद्धा रहा होगा। चक्रव्यूह की उत्पत्ति और उसके यहां तक आने के रहस्य ने नैना का दिमाग खराब करके रख दिया था। वो आर्यमान की ओर देखते हुए कहती है, आर्यमान ये सब है क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यहां पर बने इस चक्रव्यूह की रचना हिमालय की दूसरी तरफ का कोई शख्स वो कैसे कर सकता है? नैना को जवाब देते देते आर्यमान को एक बार फिर से खतरे का आभास होने लगता है। वो कहता है, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है नैना, वैसे सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारा पुराना घर भी हिमालय के उन पहाड़ियों के उस पार ही है। 8,000 से 10,000 फीट की ऊंची ये पहाड़ी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देती है। आर्यमान की इस बात को सुनने के बाद नैना को ऐसा लग रहा था मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो आर्यमान से कहती है, आर्यमान ये तुम क्या बोल रहे हो? उतनी ऊंची पहाड़ियों को पार करके आखिर कोई उस तरफ कैसे जा सकता है, या फिर कोई इस तरफ कैसे आ सकता है? क्या यह संभव है? नैना की बढ़ती हुई बेचैनी को देख आर्यमान तुरंत ही उसे शांत करता है। नैना मुझे अब इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, मुझे ना तो उसका स्पष्ट चेहरा दिख रहा है और ना ही उससे जुड़ी कोई अन्य जानकारी मिल रही है। मेरी शक्तियां भी अभी तक पूरी तरह से मुझे नहीं मिली है, उनके एक बार वापस आ जाने के बाद शायद मैं सारी जानकारी देख सकूं। इतना कह आर्यमान चुप हो जाता है। आर्यमान से कोई स्पष्ट जानकारी ना मिलते देख नैना बेचैनी में इधर उधर घूमने लगती है। उस दुनिया का कोई आदमी इधर आकर इतने महत्वपूर्ण चक्रव्यूह की रचना करता है और मुझे अब उससे जुड़ी कोई जानकारी भी नहीं मिल रही, और मुझसे ब्रह्म यंत्र भी बिछड़ा है, मुझे उसको भी खोजना होगा। मेरे साथ ये सब सही नहीं हो रहा है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। इधर उधर घूमकर इन बातों को सोच रही नैना की नजर अचानक नदी के उद्गम स्थल पर पड़ती है। ये नदी निकल कहां से रही है? इसका उद्गम स्थल तो यही गुफा है। उस गुफा के ऊपर नजर पड़ने के साथ ही नैना मानो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो तुरंत ही आर्यमान से कहती है, आर्यमान चलो हम उस गुफा के भीतर चल रहे हैं, मुझे पता नहीं वो गुफा क्यों अपनी ओर खींच रही है। नैना की बातों को सुन आर्यमान उसकी तरफ हैरानी भरी निगाहों से देखता है। नैना मुझे उस गुफा को देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है,
हम अभी वहां नहीं जाते हैं। मेरी शक्तियां अभी इतनी ज्यादा नहीं है जो मैं किसी मुसीबत में तुम्हें बचा सकूं। ब्रह्मयंत्र के बिना मुझे पहले से कम शक्तियां प्राप्त हुई थी, अब उससे दूर रहने के बाद मेरी ताकत और भी कम होती जा रही है, इसलिए वहां जाना सही नहीं होगा। आर्यमान की बातों को सुन नैना उससे कहती है, नहीं आर्यमान, मैं वहां जा रही हूं, मुझे वहां जाना ही है। तुम अभी विवेक के शरीर में हो, तुम यहां से जाओ वरना लोग उसे खोजने लगेंगे, मैं अकेले वहां जाऊंगी। नैना अचानक गुफा में जाने के लिए काफी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। उसके इस व्यवहार को देख आर्यमान को भी कुछ समझ नहीं आता है। क्या नैना को अकेले उस गुफा के भीतर जाने देगा आर्यमान? क्या होगा जब नैना जाएगी उस गुफा के भीतर? क्या उसे मिल जाएगा उसके सारे सवालों के जवाब, या वो मोल लेगी कोई